एनडीएस के मुख्य कार्यालय से ये जानेंगे कि यहाँ एनडीएस के मुख्य संस्थापक श्री अरविंद ठाकुर जी, जिन्होंने समाज को 111 न्यायसिंह प्रस्ताव दिए हैं, उनमें से एक प्रस्ताव है चार जनाधिकारों का प्रस्ताव, वह कैसे समाज में अमल होकर के समाज समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं श्री अरविंद अंकुर जी से यह कैसे समाज को दिया जा सकता है, उपलब्ध करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल, किसी भी देश या राष्ट्र के नागरिकों को संवैधानिक दृष्टि से समानता का दर्जा प्राप्त है, सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, सभी नागरिकों के बीच परस्पर बंधुत्व का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा संवैधानिक मंतव्य है। अपना वर्तमान संविधान भारत देश का स्वतंत्रता, समता और बंधुता की त्रिवेणी पर खड़ा हुआ है। देश में लोकतंत्र है, लोक मत पर आधारित सरकार का गठन होता है, भारत राष्ट्र में वर्तमान राजकोष लोक कोष हो चुका है, लोकतंत्र में राजकोष का लोककोष हो जाना एक सामान्य बात है। राजतंत्र में जैसे राजकोष राजा का कोष होता था, राज परिवार उसका उपभोग करता था, मोटे मोटे किले, ऊंची ऊंची दीवारें, अपने लिए राजपथ, राजभोग की सामग्रियां, सारा राजकोष राज्य वर्ग के द्वारा उपभुक्त हो जाता था, जनता को उस राजकोष से कुछ भी प्राप्ति का अधिकार नहीं होता था। यहां तक कि कोई लिखित संविधान भी दुनिया के किसी कंट्री में ना के बराबर उपलब्ध था, या कोई छोटी मोटी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित किसी पुस्तक विशेष की सामाजिक मान्यता के आधार पर सब कुछ चलता था, लेकिन कोई स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था, कोई ऐसे नियम कानून नहीं पाए जाते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे आई तो राज्य जो है लोक हो गया, राष्ट्र का अभिप्राय ही जनता से होता है। अगर किसी राष्ट्र की जनता स्वतंत्रता, समता और बंधुता की त्रिवेणी पर आधारित हो, उसके साथ जो अधिकार व्यवहार है वो ऐसी न्यायशीलता पर आधारित हो जिसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय जैसी बातों को भूमिका के रूप में स्वीकार किया गया हो, संविधान की भूमिका ही
इसी न्यायशीलता पर आधारित सभी नागरिक समाधिकारी हैं। लोक कोष सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक अर्थात सारी जनता इसकी मालिक है। किंतु दुख की बात यह है कि आज तक जनता को यह मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ, ये जनाधिकार प्राप्त नहीं हुए। लोक कोष पर लोक का अधिकार हो, राजकोष सार्वजनिक धन हो, सार्वजनिक सेवाओं पर इसका बजटीकरण हो, जनता के चारों जनाधिकारों पर ये संपूर्ण रूप से परिव्याहित हो, बजटीकृत हो, ऐसी व्यवस्था ही आर्थिक न्याय का लक्षण हो सकती है। जनता के चार ही जनाधिकार होते हैं और इन जनाधिकारों में सबसे पहले शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, फिर रोजगार प्राप्ति का अधिकार, फिर सुविधा प्राप्ति का अधिकार, फिर संरक्षण प्राप्ति का अधिकार, ये चारों क्रमबद्ध हैं। व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है, प्रत्येक परिवार को रोजगार की जरूरत है, प्रत्येक बस्ती को सड़क पानी बिजली यातायात परिवहन संचार जैसी सेवाओं की जरूरत है, सुविधाओं की, और प्रत्येक संवर्ग को संरक्षण की जरूरत है। सृष्टि के चारों संवर्ग जड़ पदार्थ वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी और मनुष्य सुरक्षित रहे, इसका अंतिम प्रावधान संवैधानिक रूप से न्यायपूर्वक प्रतिष्ठित होना चाहिए था। ये विद्या जीविका सुविधा संरक्षण की चार न्यायशील जनाधिकार के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। इन चारों अधिकारों के अतिरिक्त पांचवा कोई अधिकार की आवश्यकता भी नहीं है। व्यक्ति परिवार समाज और समष्टि के रूप में चार ही व्यावहारिक केंद्र हैं। इन चारों केंद्रों को सुखी समुन्नत सुविकसित समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए इन चारों जनाधिकारों की आवश्यकता है। आप सब इसे समझ सकते हैं कि विद्या के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व मानवीय नहीं बनाया जा सकता, रोजगार के बिना परिवार का जीवन यापन संभव नहीं हो सकता, सड़क पानी बिजली संचार परिवहन यातायात पार्क खेल के मैदान जैसी तमाम सुख सुविधाओं के बिना कोई भी बस्ती ग्राम या शहर सुखी नहीं हो सकता। इनको सुखी समुन्नत सुविधा युक्त बनाए रखने के लिए जरूरत है कि समुचित सुविधाएं प्रतिष्ठित की जाए। इसी प्रकार से समष्टि के तल पर चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग आश्रय पेंशन आदि की व्यवस्थाओं के द्वारा पूरे समष्टि का जीवन स्वस्थ
स्वतंत्र, समुन्नत, सुविकसित, सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो ये व्यक्ति परिवार समाज और समष्टि को इन चारों सेवाओं के द्वारा कोई भी सरकार सुरक्षित बनाए रख सकती है, सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रख सकती है। अब इन्हीं चारों सेवाओं के लिए सार्वजनिक धन रूपी राजकोष को चार भागों में बजटीकृत किए जाने की आवश्यकता होती है। 25% शिक्षा बजट, 25% रोजगार बजट, 25% सुविधा बजट और 25% संरक्षण बजट, ऐसे 100% राजकोष का बजटीकरण न्यायपूर्वक किया जा सकता है इन चारों मुद्दों। हमने सरकारों को विगत लगातार कई दशकों से चिताया, समाज में इसकी जागरूकता फैलाई। पिछले लगभग 30 वर्षों से संस्थागत रूप से हम इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। मनुष्य को सही जानकारी न प्राप्त होने के कारण, जनता को उचित जानकारी न सुलभ होने के कारण वो अपने अधिकारों तक को नहीं जान पाते और एक चालाक वर्ग उनको अपने गिरफ्त में ले लेता है। उनके हिताधिकारों को छीनकर उन्हें अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, दुख और अशांति के गर्त में झोंक देता है, दास तुल्य जीवन जीने को विवश कर देता है। इससे बचने के लिए इन चारों न्यायाधीश जनाधिकारों की प्रतिष्ठा आवश्यक है और आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। यदि इन चारों जनाधिकारों को समुचित रूप से सुलभ कराया जा सके, सभी नागरिक धन्य हो जाएंगे, पूरा राष्ट्र धन्य हो जाएगा, कोई गरीबी नहीं होगी, कोई भुखमरी नहीं होगी, कोई तबाही नहीं होगी, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी लोग शिक्षित, रोजगार युक्त, सुविधा युक्त और संरक्षण युक्त जीवन जिएंगे, हर आयु सुरक्षित होगी, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी, गरीबी से, बीमारी से, दासता से, दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय ये चार जनाधिकार। मनुष्य को उसकी मनुष्यता प्राप्त हो जाए, मानव को उसकी मानवता प्राप्त हो जाए, यही इन चारों जनाधिकारों का उद्देश्य है। ये शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण के चार जनाधिकार अंग्रेजी में इन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन और प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ये चारों जनाधिकार बहुत ही प्रबल हैं, सारी न्यायशीलता इन्हीं पर निर्भर है। लोग इन मौलिक चारों जनाधिकारों को छोड़कर बाकी इधर उधर की बातें लगातार करते हैं। रोटी दे देना चाहते हैं लेकिन रोजी नहीं देना चाहते। विद्यालय में मिड डे मील दे देना चाहते हैं लेकिन विद्या नहीं देना चाहते। 25 वर्ष तक संपूर्ण शिक्षा सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सुलभ हो जाएगी यदि 25% शिक्षा बजट है संपूर्ण राजकोष में से। घोषित हो और सभी नागरिकों को ये
समान रूप से शिक्षा सुलभ कराने की योजना पर काम करेगी। पैसे की कोई कमी नहीं है, देश में लगभग 20 लाख करोड़ का बजट बन रहा है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए कुल 25% शिक्षा बजट के रूप में घोषित किया जाना चाहिए था, और ये सभी केंद्र और राज्य सरकारों को अमल में लाना चाहिए था। प्रायः सभी केंद्र और राज्य सरकारों को न्यायधम सभा के द्वारा विगत कई वर्षों से इसका प्रस्ताव भेजा जा रहा है, बार बार रिमाइंड किया जा रहा है। कदाचित अभी दिल्ली सरकार ने, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अभी कुछ समय पूर्व 25% शिक्षा बजट घोषित करने का ऐलान किया, घोषित करते करते फिर उसको 24% कर दिया, 1% पता नहीं क्यों काटा। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आ गया, शिक्षा बजट बढ़ा, पैसा आया और सरकारी विद्यालयों का एकदम रूपांतरण हो गया। सभी विद्यालय बहुत ही सुंदर हाई फाई हो गए, अच्छी शिक्षा मिलने लगी। यदि एक सरकार शिक्षा बजट लागू कर सकती है 25% शिक्षा बजट, तो दूसरी तमाम राज्य सरकारें और साथ में केंद्र सरकार का 5 लाख करोड़ का बजट शिक्षा बजट के रूप में यदि प्रतिष्ठित होने लगे हर साल, बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा। 25 वर्ष तक चाहे इंजीनियरिंग करे, मेडिकल लाइन में जाए, आईटीआई करे, कॉमर्स पढ़े, एमबीए करे, जो जो मर्जी करे, 25 वर्ष की आयु तक संपूर्ण शिक्षा समान और निःशुल्क रूप से प्रत्येक नागरिक को सुलभ हो सकती है। 25 वर्ष की आयु तक वो अपनी प्रतिभा के अनुसार जिस भी कॉलेज में प्रवेश चाहे, वो एक सामान्य सा टेस्ट दे उसके अनुरूप, और उस कोर्स के गरिमा के अनुरूप उस टेस्ट को पास करके निशुल्क रूप से पूरी विद्यार्जन के लिए वहां पात्र माना जाए प्रत्येक नागरिक। बच्चा बच्चा सुंदर हो जाएगा। लोग गाना गाते हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, और ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बच्चों को कहते हैं कि तुम भविष्य के नेता हो, तुम भविष्य के डॉक्टर हो, तुम भविष्य के इंजीनियर हो, तुम भविष्य के कर्णधार हो देश के, तुम भविष्य के समाज के उद्धारक हो। मगर वो बेचारे जब खुद ही अपना उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो दूसरे का उद्धार क्या करें। एक डूबा होगा व्यक्तित्व, दूसरों का उद्धार कैसे कर देगा, क्या यह संभव है? नहीं। एक ही तरीका है कि पहले प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का उद्धार हो और बच्चा बच्चा शिक्षित हो। बड़ी सरलता पूर्वक हो सकता है, प्रत्येक केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर काम कर सकती है। सभी 25% शिक्षा बजट घोषित कर सकते हैं, और वो 25% शिक्षा बजट केंद्र और राज्य दोनों का जोड़ दिया जाए इकट्ठा, तो ये इतनी बड़ी राशि होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर ग्राम में पूरे 25 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का बंदोबस्त किया जा सकता है प्रत्येक ग्राम पंचायत में। देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की भी जरूरत नहीं है। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत की
एक लाख की आबादी घोषित कर दी जाए और उसमें उतने नागरिकों को बसाया जाए तो मात्र 12,500 ग्राम पंचायतें बसानी होंगी और सभी नागरिक सुंदर सुंदर जगहों पे शहरीकृत हो जाएंगे, कोई भी गांव और शहर के बीच का भेद नहीं रह जाएगा। बड़ी सरलतापूर्वक सभी को प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12,500 ऐसे विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं जो पूरी शिक्षा उसी ग्राम पंचायत में ही सुलभ हो जाएगी ग्राम के बच्चों को। हर ग्राम पंचायत का बच्चा अपनी ग्राम पंचायत में पूरी पढ़ाई करेगा, एक पैसे का उसे खर्च नहीं होगा। जब इतना बड़ा टैक्सेशन जनता से वसूला गया, उसकी कमाई सब पहले ही खींच ली गई टैक्स के रूप में, 20-20 लाख करोड़ रुपए आपने बटोर लिए देश से, और जब उसको शिक्षा देने की बात आई तो आप कभी 2% कभी 3% शिक्षा बजट घोषित करते रहे। 25% शिक्षा बजट की जरूरत है प्रत्येक सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो अथवा राज्य की हो। तो शिक्षा बजट 25%, शिक्षा बजट 25% फॉर ईच ईयर। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शिक्षा बजट 25% घोषित किया जाना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो। और मित्रों इतना ही नहीं, पूरी शिक्षा निःशुल्क रूप से इसमें सुलभ हो जाएगी सबको। सुंदर सुंदर गाड़ियों से बच्चे आएंगे स्कूलों में, सुंदर सुंदर सीटों पर बैठेंगे, सुंदर सुंदर विद्यालय के भवनों में विद्यार्जन करेंगे। इतना अपार ये धनराशि होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि विद्या विद्या विद्या, पूरा देश ही विद्यावान हो जाएगा। एक भी बच्चा किसी नागरिक का विद्याहीन नहीं रह जाएगा। सबको 25 साल तक शिक्षा मिलनी चाहिए थी और किसी को फेल भी नहीं किया जाना चाहिए था। जो जितने मार्क्स ले आता है उस आधार पर अगली क्लास में उसे भेजो, किसी जाति के आधार पर बाहर मत करो। लैंगिक आधार पर कि स्त्री को शिक्षा नहीं मिलेगी या अन्य इस रंग को शिक्षा नहीं मिलेगी या उस रंग को शिक्षा नहीं मिलेगी, उस क्षेत्र को शिक्षा नहीं मिलेगी, उस वंश को शिक्षा नहीं मिलेगी, ये सब बातें गलत है। चाहे वो जिस लिंग का हो, चाहे जिस रंग का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे जिस भाषा को बोलने वाला हो, चाहे जिस तरह का रहने वाला हो, चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, चाहे जिस संप्रदाय से संबंधित हो, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो मनुष्य है, उसमें शिक्षा प्राप्ति का गुण है और उसे शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मिलना चाहिए। निःशुल्क, अबाध और अनिवार्य। निःशुल्क इसलिए कि जब इतना बजट पैसा ले लिया और फिर दोबारा फीस मांग रहे हो, विद्यालय राजकोषीय होना चाहिए। 25% शिक्षा बजट राजकोष का 25% हिस्सा शिक्षा बजट के रूप में एक शिक्षा कोष बनाया जाए और उसमें इसे डाला जाए और साल भर सारे खर्चे सभी जिसमें से 50% राशि आधी 25% का आधा यानी 12.5% कर्मचारियों पर वितरित किया जाए, उनको समान सैलरी के रूप में सभी कर्मचारियों को दिया जाए और शेष 12.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पर वेट किया जाए। तो कुल 25% माने 5,00,000 करोड़ रुपए केंद्रीय तल पर केंद्र सरकार का यदि व्यय होता है तो 2,50,000 करोड़ रुपए शिक्षकों, स्कूल के अन्य कर्मचारियों, सभी प्रकार के विद्या से संबंधित राजकीय कर्मियों को 2,50,000 करोड़ रुपए में से वेतन दिया जाना चाहिए। राजकीय वेतन प्राप्ति के अधिकारी हैं और प्रयत्न ये होना चाहिए कि ये वेतन चूंकि एक सेवा के बदले दिया जाता है, सेवाएं सबके समान हैं, जनता की सेवा के लिए ही सब आते हैं, तो जनता के सेवकों को समान वेतन मिलना चाहिए था क्योंकि उनके सबके परिवार का पालन पोषण की जरूरत है।
सबको घर में उतना ही खर्चा है। वो किस पद पे है, प्रिंसिपल है, शिक्षक है, वो चपरासी है कि वो क्लर्क है कि घंटी बजाने वाला है, किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, राजकर्मी जिस भी पोस्ट पर हो वो समान रूप से जनता की सेवा कर रहा है और इसीलिए उसको समान वेतन दिया जाना चाहिए। अगर किसी को अधिक वेतन चाहिए तो प्रोफेशनल बने, और प्रोफेशनल बन के अपना वाणिज्यिक क्षेत्र में जाए और वहां बड़ी बड़ी तमाम कंपनियों में काम करे या अपनी कंपनी खोल ले, ज्यादा पैसा कमाए, कोई रोक नहीं। लेकिन राजकीय पद पर जनता की सेवा के लिए आए हुए लोगों को उनके परिवार में भेदभाव करके उनको किसी को कम वेतन दिया जाना, किसी को ज्यादा वेतन दिया जाना, ये गलत है। 25% शिक्षा बजट, जिसमें से आधा हिस्सा यानी 12.5% कर्मचारियों के समान वेतन पर और शेष 12.5% जो है वो विद्यालयीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे विद्यालय का भवन, विद्यालय के लिए जमीन, विद्यालय के लिए ग्राउंड, विद्यालय के लिए सुंदर सुविधाएं, विद्यालय के लिए, और वो भी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से शिक्षा की जरूरत है, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाना चाहिए, इसका भी प्रस्ताव हमने दिया हुआ। बड़ी आसानी से एक जगह पर बैठ करके सारे देश के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है सारा कोर्स। तो पूरा पहले 20 साल तक भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन पढ़ाइए, सुंदर शिक्षा नीति, फिर इसके पश्चात 20 साल की उम्र के पश्चात उनको 5 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखा जाए। प्रशिक्षण 4 प्रकार का होता है, प्रशिक्षण कर्म कौशल का प्रशिक्षण होता है, 4 ही कर्म होते हैं समाज में, कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व, ये 4 ही कर्म हैं। इन 4ों कर्मों का कौशल जगाने के लिए इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो 20 से 25 वर्ष की आयु तक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, पहले 4 विषयों का शिक्षण, फिर इन 4 में से किसी एक कर्म का प्रत्येक विद्यार्थी को प्रशिक्षण, ऐसे 25 वर्ष का कुल पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है। और ये सारा का सारा निशुल्क रूप से, अबाध रूप से, किसमें किसी को फेल करने की जरूरत नहीं इस कोर्स के दौरान। आगे जो जिस कोर्स में सिलेक्ट हो गया है उसको पूरा कोर्स करने दो और उसे सामान्य 33% तक, 66% तक और उससे अधिक, ऐसे 3 वर्गों में इसका आप आंकलन कर सकते हैं। ये 3 स्तर पे प्रायः सभी कार्य क्षेत्रों में कर्मचारी बनते हैं, तो कोई कम स्किल्ड है, कोई मध्यम है और कोई उच्च स्किल्ड है, ऐसे करके सभी पढ़ लिख करके निकलेंगे और उस लेवल के पदों पर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अशिक्षित और अप्रशिक्षित नहीं रहेगा, सब वेल एजुकेटेड एंड वेल स्किल्ड होंगे। और कितना अच्छा देश होगा, कितना अच्छा राष्ट्र होगा। आरएसएस राष्ट्र निर्माण करना चाहता है, हम इतने दिनों से ये शिक्षा नीति उसको दे रहे हैं और वो शांत है, सरकारें बनी, उनकी सब जगह सरकार बन गई, राम राज्य लाना चाहते थे लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते किसी। अब उनसे हमारी अपील है कि वो लोग इस पर पुनर्विचार करें और चाहें तो हमसे संपर्क कर लें, हम उनको सारी कार्य योजना देने के लिए तैयार हैं, मुफ्त में, बिना किसी बाधा के। सरकारों को भी हमने दिया, अभी डिजिटल करेंसी सिस्टम उन्होंने चुपचाप लॉन्च किया, न्यायधम सभा का नाम भी नहीं लिया, न्यायधम सभा का ये रजिस्टर्ड प्रस्ताव, ये सारे के सारे कॉपीराइटेड है हमारे, चोरी कर रहे हैं लोग, चुरा चुरा के और उसे उपयोग करके नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई लोग तो इन प्रस्तावों के आड़ में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ रहे हैं और जनता सोचती है बहुत इंटेलिजेंट है और इस आड़ में उनको वोट मिल जाएंगे, इस आड़ में उनको टिकट मिल जाएगा किसी पार्टी, या इस आड़ में अपनी सरकार बना लेंगे कोई पार्टी के लोग। जनता का क्या हित है, देश का क्या हित है, समाज का क्या हित है, विश्व का क्या हित है, दुनिया का क्या हित है, ये ख्याल में आना चाहिए। और ये जैसे जैसे आएगा,
आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दुनिया में दुख वास्तविक नहीं है, ये सब प्रायोजित है। इन दुखों को तत्काल हटाया जा सकता है। एक दिन में सारी गरीबी, सारी अशिक्षा, सारी बेरोजगारी, सारी भुखमरी, सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं महज एक दिन में, और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगी ये समस्याएं। कभी कोई दुख नहीं लौटेगा, कभी कोई गरीबी नहीं लौटेगी, कभी कोई बेरोजगारी नहीं लौटेगी, यदि ये चारों जनाधिकार प्रतिष्ठित कर दिए जाए। जनता जागरूक नहीं है, जनता को जानकारी नहीं है, उसके अपने हिताधिकारों का उसे बोध नहीं है, उसे अपने मानवाधिकारों का बोध नहीं है, उसे अपने जनाधिकारों का बोध नहीं है। That's why they are suffering. कष्ट भोग रहे, दुख भोग रहे, गरीबी भोग रहे, अशिक्षित हुए पड़े हैं। आज भी 70% देश का नागरिक या तो वो अशिक्षित है या अल्पशिक्षित है, जिसे शिक्षित नहीं कहा जा सकता। और विद्या विहीना पशु के समान, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। अब आप बताइए, यहां विद्या सा विमुक्त है, विद्यालयों के लोगों में लिखा रहा, उनके प्रतीक चिन्हों पर ये दर्ज रहता है सब, सा विद्या या विमुक्त है, माने विद्या के बिना मुक्ति नहीं होगी। दासता से, परतंत्रता से, गुलामी से, गरीबी से, भुखमरी से तुमको मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब विद्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। तो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं, पूरी दुनिया के नागरिकों को इसके लिए जानकार और जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को पहचानना होगा। 25% शिक्षा बजट अलॉट कराना होगा, और तभी तुम वोट दो किसी पार्टी को जबकि वो 25% शिक्षा बजट घोषित करे। और जो कोई भी इसे घोषित करने के लिए तैयार है, 25% शिक्षा बजट, और फिर 25% रोजगार बजट, और फिर 25% सुविधा बजट, फिर 25% संरक्षण बजट, केवल शिक्षा बजट से ही काम नहीं चलेगा। पढ़ा लिखा दिया फिर तुमको रोजी के लिए तड़पाएंगे, तो पढ़े लिखे तो रोजगार घूमोगे नहीं, शिक्षा रोजगार रोजगार उन्मुख होना चाहिए। जीविका के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं। विद्या वही जो धन उत्पन्न करे, विद्या प्राप्त करके भूखों मरने वाला समाज अपनी विद्या को क्या करेगा, जब तुम्हें वो विद्या कपड़े भी ना दिला सके, खाना ना दिला सके, मकान ना दिला सके, जिंदगी जीने के साधन ना दिला सके, तो ऐसी विद्या को क्या करोगे, ओढ़ोगे या बिछाओगे, किस काम आएगी? नहीं। शिक्षा के साथ रोजगार बजट भी 25% घोषित करो, चालाकियां छोड़ो, 25% रोजगार बजट। और ये एक आश्चर्यजनक बात आपको बताएं कि जिस दिन संसार के किसी भी देश में ये रोजगार बजट 25% घोषित होगा, गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, गरीब कोई होगा ही नहीं, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं पकड़ा जाएगा। गरीबी का मूल कारण बेरोजगारी है, आय के साधनों का अभाव ही गरीबी का मूल है, ये बात आपको नहीं बताई जाती। आप गरीब हैं, आपकी मदद करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, उन्हें रोजगार मत देना, बहुत चालाक हो। रोटी दे देते हैं लेकिन रोजी देने के लिए तैयार नहीं कि तुम कमा के खा लो, मुफ्त का खा लो चलेगा, लेकिन कमा के खा लोगे नहीं, रिसोर्स वो अपने पास रखेंगे और उसमें से तुमको गुलाम बना के तुम्हें से कमवाएंगे, और वो कमा के अपने पास रख लेंगे इनकम को, और फिर उस कमाई में से जो आपकी ही कमाई है, संसाधन पर उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, आप कमाइए और उनके पास जमा हो जाने दीजिए, और फिर उसमें से आप की गरीबी पर तरस खाया जाएगा और आपको कहा जाएगा ये आपकी मदद की जा रही है, ये एक फटा कपड़ा लो, ये देखो चार रोटी तुमको दिया, ये तुमको आइसक्रीम खिला रहे हैं तुम्हारे बच्चे को, और तुम धन्य हो जाते हो कि ये कितने महान हैं, कितने महासंत हैं,
कितने महान ये लोग हैं, कितने महान ये बड़े खुदा के तुल्य हैं, उन्होंने आपकी मदद की है। आज आज आपकी गरीबी में वो काम आए हैं, आपकी बेटी की शादी कराने में 5,000 रुपये उन्होंने दिया है, आप कृतज्ञ हो गए, जिंदगी भर उठ रही। आपकी गरीबी आपको गुलामी की ओर ले जाती, मरता क्या ना करता, भूखा आदमी मट्टी चाट लेता है, जड़ें खोल के खाता है, मेंढक को चूहे तक खा खा के जिंदा है इस देश में लोग, कई पिछड़े हुए क्षेत्रों में हालात इतने खराब हैं, जाकर वहां देखा जाए स्थिति बहुत बदतर है, भयंकर है, जीविका नहीं, रोजगार नहीं है, उनकी गरीबी का मूल कारण बेरोजगारी है। ये बात उनको संज्ञान में नहीं लाई जाती, उनको बताया नहीं जाता कि भाई यू आर सफरिंग, भाई आर यू सफरिंग, दे डोंट नो, कोई पूछने वाला नहीं, उनको पता नहीं और दूसरा कोई उन्हें बताता नहीं। दे शुड गेट द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 25 years, दे शुड बी एंटाइटल्ड फॉर देयर पब्लिक राइट टू गेट द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड गेट द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट बट आफ्टर एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड आफ्टर एजुकेशन इमीडिएटली द प्रिंसिपल शुड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। द प्रिंसिपल शुड बी हेल्ड टू शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देयर स्टूडेंट्स द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। प्रिंसिपल शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल शुड प्रोवाइड। स्कूल का प्रधानाचार्य जब आपको वहां दीक्षांत समारोह में बुला करके मंच पर जब आपको रोजगार का प्रमाण पत्र देगा, आप धन्य हो जाएंगे। चार ही रोजगार, कृषि क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में और नेतृत्व क्षेत्र, चार में से एक जिस भी रोजगार के लिए उसने शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उसको उससे संबंधित रोजगार का प्रमाण पत्र उसे देना होगा, उसे एक लेटर देना होगा कि ये आपका पत्र है, आप जाइए, आपका ये रोजगार है। अगर किसी क्षेत्र में है तो 5 एकड़ जमीन दे उसको, अन्य जो आवश्यक सामग्रियां हैं कृषि यंत्र इत्यादि वो सुलभ कराओ। इसके पश्चात जो वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए एंटाइटल्ड है, सुपात्र सिद्ध है, प्रशिक्षित आपने उसे किया है, उसको बुलाइए। घर स्कूल से घर विदा करने से पूर्व प्रिंसिपल को आगे आना चाहिए और वो उसको अधिकार दे कि आज से अब आपका ये किसी क्षेत्र का या ये वाणिज्य क्षेत्र के लिए इतनी पूंजी आपको सुलभ है, उसी के समकक्ष कि 10 एकड़ जमीन 5 एकड़ जमीन से कितना उत्पादन हो जाएगा, कितनी आय हो जाएगी, और उसी के समकक्ष कोई कैपिटल वाणिज्य क्षेत्र को दी जानी चाहिए कि इतनी कैपिटल से लगभग इतनी आय अनुमानित है। तो उसके समकक्ष ही एक को कृषि भूमि दो और दूसरे को वाणिज्यिक पूंजी दो और तीसरे को उतनी ही आय का एक पद दो, राज कर्मचारी का पद, उतना ही औसत वेतन कम से कम उस पर निर्धारित किया जाए कि न्यूनतम उसका वेतन इतना हो कि जितना इस वाणिज्य क्षेत्र में दिए गए रोजगार से या कृषि क्षेत्र में दिए गए रोजगार से जितना औसत मध्यम दर्जे तक परिश्रम से जितना उत्पादन हो जाएगा, जितनी आय हो जाएगी, उतना अनुमानित आय वेतन के रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। चौथा, नेतृत्व करने योग्य जो लोग सिद्ध हुए, नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण ले चुके हैं, उन्हें
स्कूल से निकलते ही नेता पद की उपाधि दे दी जाए कि आज से तुम नेतृत्व करता, अब जाओ। और उनके खाते में आज से ही अधिकार पत्र दे दिया जाए, उनको ये रोजगार पत्र दे दिया जाए प्रिंसिपल के द्वारा कि आज से तुम्हारे खाते में अब हर महीने की 1 तारीख को नेतृत्व भत्ता विड्रा करने की तुमको ये सुविधा सुलभ होगी, ये सेवा सुलभ होगी, रोजगार सुलभ होगा। ये रोजगार नेतृत्व भत्ता राजकीय वेतन के समतुल्य नेतृत्व भत्ता प्राप्ति का अधिकार उसे होना चाहिए। उनके खाते में उतनी राशि हर महीने राजकोष द्वारा जमा कर दी जानी चाहिए। नेतृत्व भत्ता राजकोषीय वेतन के समतुल्य, कौन बेरोजगार मचेगा? अब नेतागिरी जाके करो और जहां मर्जी नेतृत्व करो, तुम भूखों नहीं मरोगे, अब तुम सिर्फ नेतागिरी करो, जाओ चुनाव जीतो कि हारो इससे कोई मतलब नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही? कितना बड़ा ये अधिकार है रोजगार का। अब आपको चोरी करने की जरूरत नहीं, नेतृत्व भत्ता हर महीने की 1 तारीख को आपके खाते में जमा हो जाएगा, आप सुपात्र घोषित हैं और आप जाइए जो नेतृत्व करना है कीजिए समाज का। आप संसद में चुने जाइए, हार जाइए, जीत जाइए, इससे कोई मतलब नहीं, नेतृत्व भत्ता प्राप्ति का अधिकार है। अब वो घूस लेने की कोई जरूरत नहीं उसको, अब हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं उसको, और देश में डिजिटल करेंसी सिस्टम रखो। ये जो कानूनी जो उसको ये प्राप्ति होगी, इससे अलावा 1 रुपया भी कहीं से प्राप्ति नहीं हो पाएगी उसको। क्यों? डिजिटल करेंसी सिस्टम एक पारदर्शी मौद्रिक व्यवस्था है और वो सरकार ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और घोषित भी कर दिया 25 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री। अब ये 200 साल से हम इस पे लगातार सरकार को भेज रहे थे, अंततोगत्वा सरकार ने इसे, मोदी सरकार ने किया, मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। न्याय विधानसभा ने उनको धन्यवाद पत्र भेजा, अप्रिशिएट किया कि आपने जो हमने पिछली सरकारों को भी दिया था उनने नहीं किया, आपने भले मजबूरी में ही किया वो नोटबंदी करने के बाद फंसने के बाद, लेकिन आपने किया तो भी आप प्रशंसनीय, हमने प्रशंसा पत्र भेजा। और इसलिए भेजा कि आदमी चाहे रो के करे चाहे हंस के करे, किया तो हंस के करते तो थोड़ा और अच्छा होता, घोषित कर देते कि न्याय विधानसभा का प्रस्ताव है और ये हम लागू कर रहे हैं। आज तक भाजपा के कार्यालय वाले भी चुप रहते हैं कि बताना देना नहीं तो जनाधार खिसक जाएगा कि अच्छा तुमको अकल नहीं है, न्याय विधानसभा वाले बताते हैं तब तुम जागरूक होते हो तो वोट कैसे मिलेगा। अब वोट की बेइज्जती से बचने के लिए लोग नाम तक नहीं लेते, पत्रकार नाम लेने से डरते हैं, राजनेता नाम लेने से डरते हैं, और न्याय विधानसभा जनता में अपने आप पॉपुलर हुई बैठी, और दबाव अब इतना बढ़ रहा है कि न्याय विधानसभा के लोगों को चुनाव लड़वाएं चाहे ना लड़वाएं, जन समर्थन उनके पास, जनाधार चारों तरफ मौजूद है, सरकारें नहीं करेंगी तो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। 111 न्याय प्रस्ताव सारे इंप्लीमेंट होंगे और सरकार चाहे जिसकी बने, न्याय विधानसभा उनसे सब करवा लेगी। क्यों? न्याय विधानसभा एक न्याय संगत संगठन, न्यायप्रिय लोगों का संगठन, और न्यायप्रियता पूरी दुनिया में है। मनुष्य जो हो गया है वो न्याय और अन्याय समझने लगता है और न्याय उसे प्रिय लगने लगता है। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ अन्याय हो, कोई नहीं चाहता कि उसका कोई कपड़ा उतार ले, कोई नहीं चाहता कि उसका कोई अधिकार छीन ले। एक भी व्यक्ति ढूंढ के बता दो, चोर डाकू लुच्चा लफंगा तक अपने लिए न्याय की आशा करता है, और अगर कोई उसका साइकिल भी लेके भागे तो कहता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इसका मतलब न्याय की भूख प्यास तो अन्याय करने वाले बदमाश को भी है।
अपने लिए तो न्याय चाहता ही है, भले दूसरे के साथ गड़बड़ कर रहा हो, अपने लिए न्याय की प्यास न्याय प्रियता के लिए पर्याप्त है। अब पूरी दुनिया में न्याय प्रतिष्ठित होने के लिए इतना पर्याप्त है और इसका स्वागत होना ही। अब धीरे धीरे अच्छा चोरी बदमाशी भी अपराध इसलिए करना पड़ता है कुछ लोगों को क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय हो जाए तो आसानी से वो चीजें मिलने लगेंगी, उनके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, उनके युवाओं को रोजगार मिल जाए, उनकी बस्ती को सड़क पानी बिजली मिल जाए और उनको चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन आश्रय ये सब मिल जाए। क्या कहने, कोई चोरी चपाटी बेईमानी बदमाशी काहे के लिए करेगा। और डिजिटल करेंसी लागू कर दो तो ये भी खत्म हो जाएगा, कोई अपराध वैसे करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। और डिजिटल करेंसी की ओर ये देश जा रहा है, हमने जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था डिजिटल करेंसी सिस्टम तो हमने सभी को दिया, हमने कहा इसे इंप्लीमेंट करो सारी दुनिया धन्य हो जाएगी। इनको समझ में नहीं आया यहां की सरकारों को, स्वीडन की सरकार समझ गई और उसने डिजिटल करेंसी घोषित कर दिया, 4 नोट छापने की कारखाने बंद कर दिए। अपने देश में भी जल्दी ही फिजिकल करेंसी बंद हो जाएगी, क्यों, जनता जागरूक होती चली जा रही, खुद ही नोटों और सिक्कों का लेन देन बंद कर देगी। सिक्कों का लेन देन तो शायद लोग बंद ही कर दिए, अब कोई नहीं ले रहा, चली दे रहे मार्केट में बहुत कम दिखते, जनता ही बंद किए दे रही है। सरकार छापेगी भी तो जनता कहेगी ना 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 हम तो ऐसी डिजिटल करेंसी से लेन देन हमारा हो जाता है, ये तो कहां गिर जाता है और टपक जाता है, कोई चुरा लेता है, कोई छीन लेता है, कोई खराब हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, कट जाता है, पुराना पड़ जाता है, दुनिया भर की तकलीफें हैं इन फिजिकल करेंसीज में, तो ये जो डिजिटल करेंसी है वो एकदम चारों तरफ दुनिया फैल जाती है। डिजिटल करेंसी का मतलब होता है कि अंकों के रूप में लिखित रूप में ये मुद्रा चलती है, लिखने पर ही मुद्रा का जन्म होता है, नहीं लिखा गया तो मुद्रा का जन्म नहीं होता, तो लिखित धन ही डिजिटल करेंसी है, लिखा पढ़ी में चलता है केवल, लिख दिया और लेन देन इधर माइनस उधर प्लस हो गया, सामान का क्रय विक्रय भी इसी लिखित मुद्रा के खातों में प्लस माइनस होता है डेबिट क्रेडिट और ये चलता रहता है सिंपली, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, सारे अपराध रुक जाएंगे, चिंता ना करें, बस ये चारों जनाधिकार देने 25% शिक्षा बजट, 25% रोजगार बजट, और जो ये 25% रोजगार बजट आप बनाने जा रहे हैं इसको एक एटर्नल एम्प्लॉयमेंट फंड बना के इसे घोषित कर दीजिए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हमने उनको ये भेजा, फिर जब देश में प्रधानमंत्री बने तब फिर इनको भेजा, और उस समय जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनको भी भेजा, उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, चुपचाप वो लोग तो राजशाही चलाना और चुपचाप निकल जाना ऐसे करके विदा हो जाते हैं, लेकिन जनता बेचारी जहां की तहां तड़पती रहती है, बेरोजगारी में, अशिक्षा में, असुविधा में, असुरक्षा में, इन सारी समस्याओं का समाधान इन चारों जनाधिकारों में, जनता के सारे दुखों का पहाड़ बाहर उतर जाएगा, सारा बोझ बाहर चला जाए यदि ये चारों जनाधिकार प्रतिष्ठित हो जाए। 25% आप कल्पना करें कि 25% रोजगार बजट घोषित हो गया, 20 लाख करोड़ अगर केंद्र का बजट है तो उसमें से 5 लाख करोड़ बैठते हैं 25%, इफ द 5 लाख करोड़, अगर 5 लाख करोड़ की बजट राशि एटर्नल एम्प्लॉयमेंट फंड यानी अक्षय जीविका को उसमें डाल दिया जाए और उसमें से बिना ब्याज का किसी को भी पूंजी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाए, अगर इस पर आपने ब्याज लगा दिया तो रोजगार नहीं मिला, वो तो गुलाम हो गया। रोजगार का मतलब है वो मालिक होने, आपने दुकान दिया उसको और दुकान का किराया मांग लिया तो फिर उसको रोजगार कहां मिला, वो तो गुलाम हो गया उस दुकान का। यदि आपने पूंजी दिया और उस पर ब्याज मांग लिया तो वो तो गुलाम हो जाएगा कि वो कमाएगा और तुमको अपनी कमाई जमा करेगा, तो फिर तो वो
अंग्रेजी राज में होने से फर्क क्या रहेगा? फिर आजादी के लिए आंदोलन क्यों चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? इसका मतलब भारत में भी जो ब्याज ले रहा है मुद्रा पर, जो सरकार टैक्स भी लेते हो फिर ब्याज मांगने आ जाते हो, अरे रोजगार आप उसको दो या आप उसकी कमाई लूट लोगे? अब रोजगार करेगा तो टैक्स तो आना ही है, उससे जो आना है। तो उत्पादन पर टैक्स आए इसमें कुछ बुरा नहीं, उसकी इनकम पर टैक्स आए कुछ भी बुरा नहीं, लेकिन संसाधन पर टैक्स आप लगा दिए तो वो गुलाम हो जाएगा। रिसोर्स स्वतंत्र होना चाहिए, संसाधन स्वतंत्र होना चाहिए, टैक्स उत्पादन पर लगना चाहिए। कई ना समझ लोग संपत्ति कर, संसाधन कर, संपदा कर लगाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन उनकी ये सब ना समझी है। कभी ना कभी जब बुद्धि का तेज उभरेगा तो समझ जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उत्पादन का वितरण होना चाहिए, उत्पादन पर जिसका जो हिस्सा, सरकार का जो हिस्सा बनता है सरकार को मिलना चाहिए। 33% उत्पादन का हिस्सा सरकारी बनता है, तो टोटल जीडीपी का 33% सरकार के पास जाना चाहिए। ये बात ठीक है, न्यायोचित है। अगर सभी को रोजगार मिल जाए उत्पादन अपने आप हो जाएगा, सरकार का टैक्सेशन अपने आप अधिक होगा, राजकोष अपने आप ऊंचा हो जाएगा, राजकोष की कोई कमी नहीं होगी। तो 25% रोजगार बजट यदि लागू हो जाता है, अक्षय जीविका कोष स्थापित होता है, तो एक पैसा खर्च किए बिना ये बजट राशि हमेशा सुरक्षित रहे। एक पैसा खर्च किए बिना सारे देश को रोजगार मिल जाएगा, और इस साल का खत्म नहीं कर पाएंगे 5,00,000 करोड़, अगला फिर आ जाएगा, और पिछला जो लोगों को कैपिटल दी गई है वो किस्तों के रूप में वापस जमा होती रहेगी, इसमें वो 5,00,000 करोड़ रुपए वापस भी आते रहेंगे पिछले, और अगले साल के बजट का 5,00,000 करोड़ इसमें फिर से जमा हो जाएगा, और ये क्रमशः बढ़ता हुआ हजारों लाख करोड़ रुपए का बजट बन जाएगा, जिसमें से 100-100 करोड़ रुपए ले लेके भी लोग अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे, और फिर वो पैसा वापस आ जाएगा। ये अनंत अनंत समंदर राष्ट्र समृद्धि की पराकाष्ठा पर आने वाले 10 सालों में पहुंच सकता है यदि हमारी ये बात लागू कर दी जाए, और जितनी जल्दी हो सके उतना कर ले। बहुत सालों से समझा रहे हैं, जनता तक ये बात पहुंच नहीं पाई, जनता अपने हितों को पहचान नहीं पाई, उसको ये सब आज के जो चैनल है टीवी चैनल और समाचार पत्र और ये सब जनता को कभी जागरूक नहीं होने देते, सही जानकारी वो देते ही नहीं। हम लोग कितना भी बोले, अभी सोशल मीडिया है तो इसके माध्यम से थोड़ा बहुत लोगों तक बात पहुंच रही, सरकार इस पर साइलेंट रहती है और मीडिया जितने चैनल हैं वो सारे साथ रहते हैं। जनता को जनता के हितों के विरुद्ध जो बातें रहती हैं वो सब सिखाई जाती हैं, और जो जनहित की हैं, राष्ट्रहित की बातें हैं, जो पूरे देश का उत्थान करने वाली हैं, गरीबी समाप्त करने वाली हैं, बेरोजगारी समाप्त करने वाली हैं, अशिक्षा को दूर करने वाली हैं, दुखों को दूर करने वाली हैं, असुविधा को हटा करके देश को चमकदार स्वर्ग जैसा स्वर्णिम बना सकते हैं, उन सब बातों को दबाते हैं, उनको आगे नहीं आने देते, क्योंकि उनको बिना काम किए फल पाने की व्यवस्था जो चल रही है वो सोचते ही कायम है। कर्म ना करना पड़े और फल भयंकर जबरदस्त प्राप्त हो उनके पास, भारी मात्रा में प्राप्त, तो वो अकर्मण्य लोग बिना काम किए फल की इच्छा वाले प्रायः 1-5% लोग होते हैं, और वो कभी भी 95% लोगों को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते, उनको समृद्ध नहीं होने देना चाहते। थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, जनता समझदार हो जाए तो सत्युग वापस आ सकता है, न्याय का युग वापस आ सकता है। न्याय ही सनातन धर्म है, न्याय ही शाश्वत धर्म है, न्याय ही इस्लाम धर्म है, न्याय ही हिंदू धर्म है, न्याय ही सिख धर्म है। अन्याय को कोई भी धर्म स्वीकार कैसे कर सकता है, सर्वधर्म कैसे रह जाए? न्याय को ही इंसाफ और जस्टिस कहते हैं, एक न्यायशील व्यवस्था, न्यायशील चारों जनाधिकारों के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाएगी, यही नियम है,
सारी न्यायशीलता की नींव है। सभी प्रकार के आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय सब इसमें अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे यदि ये चारों जनाधिकार दे दिए जाते हैं। चारों जनाधिकार सभी मनुष्यों को परिश्रम करके अपना अपना सुंदर जीवन यापन करने की व्यवस्था उपलब्ध करा देते हैं। जैसे ही ये 25% रोजगार बजट अक्षय जीविका कोष के रूप में प्रतिष्ठित होगा, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट फंड, ये अक्षय इसलिए कहा जाता है, इटर्नल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एक पैसा भी कभी खर्च नहीं होगा। किसी ने 10 लाख रुपए का ऋण लिया बिना ब्याज का, उसको मिलना है, अब वो रोजगार के रूप में दुकान खोला, दुकान बनाया, कंस्ट्रक्शन कराया, किस्तों में 1,000 रुपए की किस्त उसने जमा करके और इसे पूरा कर दिया, दुकान ज्यों के त्यों उसकी बनी रह गई, बिजनेस चल रहा है और एम्प्लॉयमेंट फंड में उसका जो भी 10 लाख रुपए गया था वहां से वो वापस आ गया और तब तक वो दुकान के पेपर यहां रखे रहेंगे जब तक कि पूरी किस्त नहीं आ जाती। अगर वो नहीं भी चुका पाता है चिंता की बात नहीं है, वो संपत्ति ज्यों के त्यों बनी हुई है, वो छोड़ने पर किसी दूसरे को दे दी जा सकती है, उसी दुकान पर दूसरा बैठेगा, वो एम्प्लॉयमेंट फंड को उसका अधिकार तब तक रहेगा। तो ऐसे स्थायी चीजों पर जो ये कैपिटल लगेगी उसी की सिक्योरिटी मान ली जाएगी और सिक्योर्ड ऋण दिया जाए सुरक्षित हो ताकि एक पैसा भी कहीं भी अपव्यय ना हो, हानि ना हो और वो पैसा वापस आए। ब्याज की जरूरत नहीं है, वो जो जाके बिजनेस करेगा उसमें से जो इनकम होगी उस पर जो टैक्सेशन और राजस्व लगता है वो तो सरकार को मिलेगा ही और वही पैसा आगे एम्प्लॉयमेंट फंड में आएगा, तो उन्हीं का पैसा तो उन्हीं को दिया जाना है, फिर ब्याज कौन ले रहा है? और रेपो रेट क्या है? मुद्रा चलाने के लिए रेपो रेट लगा रखे हो, सिर्फ ये है कि रेपो रेट लगाने से शोषण की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, हर कैपिटलिस्ट की कैपिटल का मूल्य क्रिएट हो जाता है, इसलिए वहां रेपो रेट लगा दिया जाता है कि ताकि 10% उससे 30% तक की वसूली चलती रहे समाज। ये बहुत चालाकी से भरा हुआ सिस्टम है। अगर आप अभी भी 8-8.5% शायद रेपो रेट हो और देश वही विकसित हुए जिन्होंने रेपो रेट जीरो कर दिया है या कम कर दिया है, जितना कम हो जाएगा रेपो रेट मुद्रा उतनी हल्की हो जाएगी, चलन गति उसकी बढ़ जाएगी, चलन गति बढ़ने से आर्थिक विकास होता है, ये बात सभी को हर अर्थशास्त्री जानता है। लेकिन अर्थशास्त्री भी सब साइलेंट है, 5% वालों की जमात में घुस जाते हैं, इसीलिए कोई सही बात ना लिखता है अर्थशास्त्र में, ना किसी महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र सारे नकली चल रहे हैं, फर्जी अर्थशास्त्र जो सिद्धांत विहीन है, जिनका कोई सैद्धांतिक न्याय संगत कोई बेस नहीं, वो अर्थशास्त्र बने। जो चल रहा है बेईमानी मक्कारी उसी को लिख लेते हैं और कहते हैं इसे पढ़ो ये अर्थशास्त्र है, नहीं, जो चलना चाहिए वो अर्थशास्त्र में लिखा जाना चाहिए जो न्याय संगत है। अगर आर्थिक न्याय संगत उसमें बात ही नहीं लिखी है तो उस अर्थशास्त्र को पढ़ के कोई क्या करेगा, उसमें तो फिर चोरी डकैती की अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़ाई जाएगी, इसलिए गलत। सही अर्थशास्त्र पढ़ाओ और 25% रोजगार बजट इटर्नल एम्प्लॉयमेंट फंड में स्थापित करो। हमारे बहुत रिक्वेस्ट पर, बार बार रिमाइंडर देने पर मोदी सरकार ने एक मुद्रा बैंक के नाम से एम्प्लॉयमेंट फंड का डुप्लीकेट एक बना के घोषित किया और उसमें ब्याज छूट दिया। आज तक वो ज्यों का त्यों वेस्टेज है, ना उसमें 5 लाख करोड़ जमा हो रहे हैं हर साल, जो दिया गया लोगों को वो भी लूट मची हुई है, उसमें भी ब्याज लगा हुआ है, आदमी कहां से, जो कमाएगा सब ब्याज ही चुकाता रहेगा, उसे घर में बाल बच्चे कैसे पलेंगे, रोजगार भी देते हो तो उसे गुलाम बना लेते हो, दुकान देते हो तो उस पर किराया ठोक देते हो, अरे नहीं, रोजगार के रूप में उसको दोगे तब तो वो काम करेगा, जो काम करेगा कमाई से आप टैक्स ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो सारा देश धन्य हो जाएगा। फेसबुक पर लाइव ये बात करते हुए जनता से हम अपील करेंगे अधिक से अधिक लोग इसे टाइप करें और दूर दूर तक समाज तक पहुंचने दें। ये 30 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं लेकिन मित्रों ये पहुंचाई नहीं जा रही, इन बातों को बड़ी आसानी से लोग दबाए बैठे हैं, आगे नहीं जाने देते, और वो जो 1-5% जो बेईमान वर्ग है
वो कभी नहीं चाहता कि सही बात से जनता जागरूक हो जाए, मछुआरा कभी नहीं चाहता कि मछलियां जागरूक हो जाएं, वो समझ जाएं कि ये जो चारा डाला हुआ है इसमें कटिया फंसी हुई है। जैसे ही वो चारा खाएगी कांटा उसके मुंह में फंस जाएगा और बाहर घसीट के उसे उधेड़ दिया जाएगा। इसीलिए मछुआरे नाराज होते हैं अगर मछलियों को कोई समझाए कि देखो ये आटा जो है फर्जी है, तुमको ये फर्जी मोबाइल दिया जाता है, फर्जी तुमको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो ये राशन कार्ड, राशन सरकार बांट रही देखो, और राशन कार्ड बना दिया गया है लोगों का। राशन कार्ड की क्या जरूरत है कंट्री में, राशन सरकार क्यों देना चाहते है? ये तो पुराना राजतंत्र चल रहा है, अन्नदाता वो बने रहे, गरीबों खाना खाओ, रोजगार ना देंगे राशन देंगे। अरे रोजगार दे दो भैया, राशन कार्ड छोड़ो रोजगार कार्ड बनाओ, राशन कार्ड की नौटंकी समाप्त करो। जनता जितनी भी जनता है वो राशन कार्ड को बदलवाए सरकार से रोजगार कार्ड में, और कहे कि इसको बदलो हमको रोजगार कार्ड दो, और हमारे इसमें रोजगार कितना हमको कब क्या प्राप्त हुआ ये दिया जाए इसमें। कभी 1 लाख का पूंजी दिया गया तो लिखो फिर इसमें कितना बकाया रह गया, हमको अभी कितना और प्राप्त होगा, लिखते रहो इसी कार्ड में, हर तारीख इसमें दर्ज हो कब हमको क्या दिया गया। रोजगार कार्ड बनाओ, शिक्षा कार्ड बनाओ, सुविधा कार्ड बनाओ, संरक्षण कार्ड बनाओ, राशन कार्ड क्या करो, रोटी कार्ड छोड़ो रोजी कार्ड की बात करो, मछलियों का चारा छोड़ो, न तुम मछुआरा बनो न मछली बनो, बीच के नागरिक बनो, न्यायप्रिय नागरिक बनो, नो मछली नो मछुआरा। मछली बनोगे तकलीफ में पड़ोगे, मछुआरा बनोगे फिर तकलीफ में पड़ोगे। ना खून पियो ना पिलाओ, ना अन्याय सहो, ना किसी के साथ अन्याय करो, न्यायप्रिय बनो, न्याय करो, न्यायपूर्वक जियो, अपने लिए न्याय चाहो और अपने पड़ोसी के लिए भी न्याय चाहो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, वैदिक व्यवस्था कहती है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधारयताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म का सर्वस्व सार सुनो, सुनकर उसे धारण भी करो। और वो सार क्या है, सनातन धर्म का सार सर्वस्व सिर्फ इतना है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम्हें अपने लिए दुखद है कष्टप्रद है ऐसा दूसरे के लिए मत चाहो। तुम अपने लिए न्याय चाहते हो तो दूसरे के लिए भी न्याय करो। आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृता, अन्यायस्तु अधर्म इति एतत् शिष्टानुशासनम्। न्याय ही धर्म है, अन्याय ही अधर्म है, इतना ही श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ जनों का आदेश है, श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन है। न्याय पूर्वक जीवो, न्याय कहता है सबके लिए समुचित हिताधिकार सुलभ हो। पहले शिक्षा, फिर रोजगार, फिर सुविधा, फिर संरक्षण। कोई भी बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं कहते कि दूसरे को तुम दुख दो, दूसरे को तकलीफ दो, दूसरे के हिताधिकार मारो, दूसरे के शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण का अधिकार छीनो। कौन सा ग्रंथ कहता है? न जीसस ने कहा, न मोहम्मद ने कहा, ना ही नानक ने कहा, ना कबीर ने कहा, ना हिंदू संतों ने कहा, ना राम ने कहा, ना कृष्ण ने कहा कि तुम दूसरे के साथ अन्याय करो। कब कहा? और दूसरों के साथ अन्याय के अतिरिक्त आपके समाज में कुछ हो नहीं रहा, और सब धार्मिक भी बन रहे हो और घोर अन्याय में जीवन जी रहे हो। न्याय ही समाज का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है, न्यायालय ही सर्वोच्च मंदिर है, न्यायशील संविधान ही एकमात्र विश्व का धर्म ग्रंथ है, मानव समाज का, मानवीय राष्ट्र का। लेकिन उस संविधान को भी आप न्यायशील नहीं रहने देते। अगर उसमें न्याय लिखा भी हो कि आर्थिक न्याय करो, राजनीतिक न्याय करो, सामाजिक न्याय करो, तो आज तक आप न्याय नहीं किए, 70 साल से उस संविधान को लिए बैठे हो और न्याय नहीं कर रहे हो।
एक को शिक्षा देते हो तो दूसरे को नहीं, एक को रोजगार देते हो तो दूसरे को नहीं, एक गांव को सड़क पानी बिजली देते हो वो शहर हो जाता है, और जिसको नहीं देते हो वो गंवार हो जाता है, वो पिछड़ा हुआ गांव कहलाता है। और कोई ये नहीं बोलता कि वो गांव पिछड़ा हुआ क्यों है। गांव इसलिए पिछड़ा है क्योंकि उसका हिताधिकार जो सुविधा प्राप्ति का अधिकार, सड़क पानी बिजली डाक संचार और खेल के मैदान, ये सब जो उसे मिलने चाहिए थे वो उसको नहीं दिए गए, इसलिए वो पिछड़ गया। ये नहीं बोलते हैं उसको ये सुविधा का अधिकार नहीं दिया गया है, उसे छीन लिया गया है, इसलिए वो पिछड़ा हुआ। लोग कहते हैं पिछड़ा हुआ गांव, गांव अगला पिछड़ा थोड़ी होता है। जो सुविधा जहां ये बना दी जाती है वो अगला दिखता है, जो सुविधाएं जिसको नहीं दी जाती वो पिछड़ा दिखता है। तो एक बस्ती को ये सब मिले सुविधाएं और दूसरे बस्ती को ना मिले, तो एक बस्ती पिछड़ी हुई हो जाएगी और एक बस्ती अगली हो जाएगी। सीधी सी बात, जैसे रोजगार बजट 25% है ऐसी सुविधा बजट भी 25% होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा एक कोष बना करके उसमें डाला जाए और उससे सर्वोपयोगी सारी ये सुविधाएं समान रूप से, निशुल्क रूप से और अबाध रूप से सबको सुलभ होनी चाहिए। सड़क पानी बिजली, आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी शुद्ध पेयजल सुलभ है। ये क्यों? सभी जगह जहां शुद्ध पेय बह रही है मोटी मोटी नदियां, वहां से पाइपलाइन डाल के सब जगह पहुंचाओ ना, पैसे का क्या करोगे? जो बजट बनाते हो सब खा जाओगे। डिजिटल करेंसी लागू करो, 85% जो राजकोष खा जाते हैं भ्रष्टाचारी लोग वो सब सुरक्षित हो जाएगा। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन द डिजिटल करेंसी सिस्टम द 100% फिस्क कैन बी यूटिलाइज टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द पब्लिक। और ये जरूरी है कि अब इस पर विचार हो, करेंसी तुरंत डिजिटल घोषित की जाए देश में। एक भी कोई आदमी, सबका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, सब आधार कार्ड से जुड़े होने चाहिए ताकि कोई विशेष पहचान के बिना फर्जी अकाउंट ना ऑपरेट करे, और सभी चाहे 100 अकाउंट खोले हो तुरंत दिख जाएंगे एक लाइन में आधार कार्ड से जुड़ते ही कि किसके पास कितना अकाउंट है। फर्जी बाड़ा सब खत्म किया जाए, घूस ले लेके फर्जी अकाउंटों में भर रहे हैं लोग, इसीलिए आधार कार्ड से जुड़ने से भी डर रहे हैं अपराधी वर्ग, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आधार कार्ड से जोड़े दे रहे हो, क्या होगा हमारा पहचान? अच्छा, चोरी करके बचने की चेष्टा, पुलिस पूछे ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कहां रहते हो, पूछे तो तुम्हारा व्यक्तिगत गोपनीयता भंग हो रही है। काहे की गोपनीयता? इसमें चोरी करने की गोपनीयता थोड़ी ना अलाउड है। आपको, आप अपने निजी मामलों में आप कितने गोपनीय रही है? आप खूब कपड़ा पहन के घूम रहे, सरकार कहां कह रही नंगे घूमू, आप गोपनीय, अब अपने गुप्ता में छिपा रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहे। लेकिन आप अपराध करें, दूसरे के हिताधिकारों का नाश करें, ये तो व्यवहार का है। निजी आचार के मामले आपके स्वतंत्र हैं, संविधान भी कहता है आप स्वतंत्र हैं, आप निजी तौर पर जाइए जो करिए जो मर्जी। लेकिन जहां पर दूसरों के हिताधिकारों को आप हानि पहुंचाने लगते हैं, ये आचार नहीं व्यवहार का मामला है, वहां पर कैसी गोपनीयता, वहां पर तो सब स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आप इस देश के नागरिक बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं तो बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए, क्या करना चाहते हैं, स्पष्ट करिए अपनी पहचान, छिपने की कोशिश कहां कर रहे हैं। भूमिगत जीवन जीना चाहते हैं, अपराध करते हैं तो कोई अपराधी बचे ना, सभी लोगों को अपराध बनने का अवसर ही समाप्त कर दिया जाए। करेंसी डिजिटल होगी, कोई अपराधी बनेगा ही, बनना भी चाहेगा तो 2 मिनट भी सक्सेस नहीं होगा। स्वीडन में अपराध खत्म हो गए, अपराध मुक्त देश घोषित हो गया। अब बताइए, कोई वहां पर अपराध नहीं हो रहा, करेंसी डिजिटल हो गई, फिजिकल करेंसी बंद हो गई, सबसे पहले नंबर का देश बन गया डिजिटल करेंसी का देश, और सबसे पहले न्याय धन सभा ने भारत सरकार को दिया, और 10 साल इनके पीछे चिल्लाए फिर भी ये घोषित नहीं किए, और स्वीडन ने घोषित कर दिया 2016, अब बन गया कंट्री नंबर 1। अब देखिए, ये भी कंट्री नंबर 2 तो हो ही गए क्योंकि इन्होंने घोषित तो कर ही दिया 25 नवंबर 2016 को,
कि ये देश अब डिजिटल करेंसी सिस्टम को अपनाएगा। हमारे पास प्रधानमंत्री का वीडियो है, उनके लेक्चर का घोषणा वाला। अब आप देखिए 24 नवंबर को पहली बार डिजिटल करेंसी शब्द इस्तेमाल किया अरुण जेटली जी ने, वित्त मंत्री ने, और 25 नवंबर को हमने कहा तुरंत ही घोषित होने वाला है और कर दिया। 8 नवंबर को नोटबंदी, एक महीने भी नहीं क्रॉस कर पाई, उनको करेंसी डिजिटल घोषित करना पड़ा, नहीं तो फंस चुके थे, लाइनें बड़ी बड़ी लगनी शुरू हुई, इतना नोट कहां से छाप के सबको दे दोगे इतनी जल्दी, तो अफरा तफरी मच गई देश में और करेंसी डिजिटल घोषित करना पड़ा। इस देश का सौभाग्य उदय हो गया गलती से, हल्ला हम इतने दिनों मचाए तब ये लोग घोषित नहीं किए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया। ये बड़ा अच्छा हुआ कि इस देश को मजबूरी में ही सही डिजिटल करेंसी सिस्टम प्राप्त हो गया है। भीम ऐप तक आप आ गए हैं, अब आप भीम ऐप से पैसे का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। सरकारी भीम ऐप है, कोई उसमें शुल्क नहीं लगता, बहुत आसानी से आप लेन देन करिए और नोट और सिक्कों का लेन देन धीरे धीरे खत्म करिए। इसमें चोरी, बदमाशी सब बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, सरकार भी इसे हतोत्साहित कर रही है, जगह जगह नकदी के लेन देन पर पाबंदियां लग रही हैं, चार्जेस ठोके जा रहे हैं ताकि ये डिजिटल करेंसी सिस्टम बूस्ट हो। न्यायधम सभा अब देखो जिंदाबाद हो गई है, अब इसके 111 प्रस्ताव पूरे लागू होंगे, पहला घोषित हो चुका है और बाकी भी अब दूसरा हम जनाधिकारों वाला प्रस्ताव जो है इसे घोषित कराना चाहते हैं और धीरे धीरे सरकारों पर दबाव बन रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी 17% शिक्षा बजट घोषित कर दिया, अब 25% तक रोते गाते पहुंचेंगे ही कभी ना कभी। केजरीवाल सरकार शिक्षा बजट 25% घोषित कर चुकी है, अब हम अपील करते हैं इन सरकारों से कि ये 25% रोजगार बजट और एटर्नल एम्प्लॉयमेंट फंड बनाकर उसमें डाले 25% सभी अपने अपने राजकोष का और देश को स्वतंत्र रूप से निर्भर रूप से कैपिटल सुलभ करा दें, रोजगार सुलभ करा दें। मुद्रा ही रोजगार की नींव, मुद्रा से सारे संसाधन खरीदे जा सकते हैं, तो संसाधन सबको क्रिएट हो जाएगा। मुद्रा से दुकान बना सकते हैं, आप लीजिए बैंक से कैपिटल लीजिए 10 लाख रुपए तक की, जाइए और अपनी दुकान बना लीजिए, रेस्टोरेंट बना लीजिए, ट्रैक्टर खरीद लीजिए, टैक्सी ले लीजिए, खूब चलाइए, खूब रोजगार करिए, जमीन खरीदिए, खेती करिए, जो जो मर्जी कीजिए, एम्प्लॉयमेंट फंड स्थापित करिए, पूरे देश में घोषित किया जाना चाहिए तत्काल, जनता मांग करे तुरंत कि तुरंत ही ये चारों जनाधिकार घोषित हो, तुरंत एम्प्लॉयमेंट फंड स्थापित हो, तुरंत शिक्षा और रोजगार पर से ये काले बादल हटा दिए जाए। हम लगातार इन सभी बातों को विगत 30 वर्ष से रख रहे हैं। 2005 में चारों जनाधिकारों के लिए हमने एक पत्रकार वार्ता रखी, सबको आमंत्रित किया और 1 जनवरी 2006 को इसकी घोषणा करी कि ये जो है चारों जनाधिकार प्रतिष्ठित किए जाए। तब से जनमत संग्रह भी शुरू कराया, 99% लोग इससे सहमत हैं, 99% कि चारों जनाधिकारी मिलने चाहिए। शिक्षा बजट, रोजगार बजट, सुविधा बजट, संरक्षण बजट 25-25% चार भागों में बांटकर देश का बजट लागू होना चाहिए। तो शिक्षा, रोजगार, सुविधा की तरह 25-25% बजट, अगला 25% संरक्षण बजट के रूप में आना चाहिए, प्रोटेक्शन बजट, जिसमें चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय जैसी सेवाएं संचालित होनी चाहिए। पूरे देश को चिकित्सा सर्वोपयोगी सीमा तक सुलभ होनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वृद्धावस्था तक सभी को यह संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। संरक्षण, चिकित्सकीय संरक्षण या सुरक्षा संबंधी संरक्षण या बीमा संबंधी संरक्षण, बैंकिंग का संरक्षण और पेंशन और आश्रय भी संरक्षण, वृद्धावस्था में पेंशन, सभी नागरिकों को समान पेंशन प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए।
पेंशन की एक व्यवस्था अपनाई जाए, सरकारी कार्यालय स्टेटली खोले जाए, उन कार्यालयों में 25% बजट बचत का सिद्धांत अपनाया जाए, हर नागरिक की आय का 25% विनियोग, बचत और विनियोग का सिद्धांत दिया जाए और वो जिसमें से 12.5% उसके पीएफ पे प्रोविडेंट फंड में और 12.5% पेंशन फंड में जमा किए जाने चाहिए और इन फंडों से उनको ये पूरे जीवन पेंशन दी जा सकती है 75 साल के बाद। सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है, हर वृद्ध सुरक्षित हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को सीढ़ी के नीचे नहीं रहना पड़ेगा, किसी वृद्ध को कुत्ते के बर्तन में जो लोग खाना देते हैं वो सब बंद हो जाएगा। वृद्धों को बहुत सताते हैं, मारते पीटते भी हैं, चाय नहीं देते, खाना नहीं देते, कपड़े नहीं देते, वृद्धों की दशा और अपने लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने की स्थिति में भी नहीं, तो इसलिए संवैधानिक अधिकार प्रोटेक्शन का उनको ही मिलना चाहिए। आश्रय योजना उनके लिए होनी चाहिए जो 75 साल से पहले भी विकलांग है, किसी तरह की परिस्थिति में विकलांग को दिव्यांग घोषित कर देने से उनकी उनका दर्द खत्म नहीं होगा, अच्छे अच्छे शब्द से उनकी झूठी प्रशंसा करके और आप सोचते हैं कि वो संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं, उनको उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, उनकी तकलीफों को सुनना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनके लिए रहने खाने जीने खेल मनोरंजन स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षा इनकी सबकी गारंटी देनी होगी समाज को राष्ट्र को सरकार को और इस प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत 25% आप प्रोटेक्शन बजट बनाइए, संरक्षण बजट बनाइए और इसमें से सैन्य खर्च आज 2-2.5 लाख करोड़ जो जाता है वो करें और बाकी जो है वो चिकित्सा और दूसरे तमाम छोटी मोटी सुरक्षाएं और या पुलिस और इस तरह के तमाम खर्चे जो हैं सरकार के प्रोटेक्शन संबंधी उस पर व्यय किए जाए। इसका मतलब ये है कि अगर 5-5 लाख करोड़ केंद्र सरकार के अगर इसमें हो और इसी तरह राज्य सरकारों के भी 25-25% ये सारे बजटीकृत पैसे उसी मद पर खर्च किए जाए और दोनों को मिला करके चाहे इकट्ठा ही बजट घोषित कर दिया जाए केंद्र और राज्य का, तब भी एक ही बात होगी क्योंकि सबको ये सारी सेवाएं देनी है, वो चाहे केंद्र में रहे, केंद्र का नागरिक कहलाए चाहे राज्य का नागरिक कहलाए, ये बात एक ही है कि वो नागरिक है और उस नागरिक को ये चारों जनाधिकार मिलने चाहिए। जनता को उसके जनाधिकार नहीं दोगे तो कैसा जनतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? जन जनमत इकट्ठा कर लेते हो और जनहित का ख्याल नहीं रखते हो, कितनी तकलीफ की बात है। मित्रों आप सबसे अपील है कि हम ये जो बात आपके सामने रख रहे हैं आप इसे ज्यादा से ज्यादा खुद समझने का प्रयास करिए और अपने मित्रों को समझाइए, अपने पड़ोसियों को समझाइए और इसे लाइव सभी जगह टैग कीजिए, सभी जगह इसे पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने देश में ही पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। पूरी दुनिया में क्यों भूखमरी हो, क्यों तबाही हो, सोमालिया में लोग लटके पड़े हैं, लकड़ी के सहारे खड़े होते हैं, हड्डी पे चमड़ी का कागज सिर्फ बचा है, मांस गायब है, लोग बिना मौत मर रहे हैं, पूरी दुनिया का संकट है, केवल भारत का नहीं, भारत के साथ और भी दर्द है चारों तरफ, तो हमें पूरी दुनिया के दर्द पर अब आंसू केवल बहाने की जरूरत नहीं है बल्कि इस पर मरहम रखने की जरूरत है, अब इस दुख को मिटाने की जरूरत है और चारों जनाधिकार इस समग्र दुख समुदाय को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के हर जानकारी तत्संबंधी प्राप्त करें और दूसरों को भी प्राप्त कराएं और इस पूरे न्याय स्थापना अभियान से जुड़ें। न्याय धर्मसभा की www.nyayadharmsabha.org क्लिक करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जानकारियां जो उपलब्ध हैं उसको वहां से अर्जित करें और उसकी सदस्यता भी चाहे तो ग्रहण करें और इस पूरे कैंपेन को जो कि 30 साल से चल रहा है इसे राजनीति को शुद्ध करने के लिए भी उपयोगी है। एक सामाजिक संगठन है जो पूरी दुनिया को सिर्फ एक सुंदर दिशा दे रहा है, न्याय की दिशा, एक सुंदर व्यवस्था दे रहा है, न्यायशील व्यवस्था, एक सुंदर जीवन दे रहा है, न्यायशील जनाधिकारों से युक्त। आप सभी का
आमंत्रण है, स्वागत है। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों, परिचितों और अन्य जो भी संपर्क में लोग हैं उनके सबके साथ आप इनको शेयर करें, वितरण करें, पहुंचाएं और पूरे देश में इस न्याय की हवा को वेग दें, इसको गति दें और ये जल्दी से जल्दी ये पहुंचे ताकि जल्दी से जल्दी दुख दूर हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।